गाइस मैं निकुल प्रजापति, ये वीडियो है फुल स्प्लिट पे, मतलब कि अपने पैर को कैसे खोले उस पे है। तो वीडियो पूरा स्टार्ट से एंड तक देखिए जिसको आप आसानी से सीख पाओगे। फुल स्प्लिट करने के लिए पहले तो आपको स्ट्रेचिंग की खूब ज़रूरत है, मतलब कि ये बाग को आपको फ्लेक्सिबल करना ज़रूरी है, इसके सिवा आप फुल स्प्लिट नहीं कर पाओगे। तो फुल स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, तो दोनों पाँव को आपको ऐसे खोलना है, बाद में इस साइड आपको पाँव को करना है, लेफ्ट हैंड को इधर रखना है और राइट हैंड को इधर रखना है और सामने की ओर नज़र रखना है, बाद में राइट हैंड को आपको पीछे से आपको पुश करना है और सामने की ओर नज़र रखना है आपको, बाद में इस साइड करना है और पीछे से हैंड को पुश करना है, बाद में इस साइड करना है आपको, आपको ऐसे पुश करना है, मतलब कि आपको एक सेकंड या दो सेकंड आपको ऐसे पुश करते रहना है, बाद में इस साइड करना है। ये आपको कम से कम 15 या 20 बार करना है, ये आपको रेगुलर आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, तभी आपको फुल स्प्लिट हो कर पाओगे। और आपको ये एक्सरसाइज में थोड़ा हार्ड करना है, तो ऐसे पुश करना है, बाद में राइट हैंड को नीचे और रखो और बाद में लेफ्ट हैंड को ऐसे रखो और ऐसे पुश करो, बाद में इस साइड ऐसे पुश करो, बाद में लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ये आपको कम से कम 3 सेकंड या 2 सेकंड ऐसे आपको पुश करते रहना है, बाद में इस साइड लेफ्ट राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। ये थोड़ी हार्ड प्रैक्टिस है, पर ये आपके लिए स्ट्रेचिंग के लिए खूब ज़रूरी है, ये आपके रेगुलर प्रैक्टिस करने से फुल स्प्लिट हो पाएगी। पीछे को पाँव को आपको ऐसे खड़ा करना है, बाद में राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड और सामने की ओर आपको देखना है, बाद में इस साइड लेफ्ट हैंड एंड राइट एंड लेफ्ट। पीछे को पाव को आपको ऐसे खड़ा रखना है, आपको ऐसे और सामने की ओर देखना है। फुल स्प्लिट करने के लिए सेकंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, आपको दोनों पाव को ऐसे खोलना है, बाद में राइट साइड आपको ऐसे बैठना है और दोनों हाथ को ऐसे रखना है, ये पाव को आपको ऐसे नहीं रखना, इस साइड बाहर की ओर रखना है आपको, बाद में ये पाव को ऐसे रखना है, ऐसे नहीं आपको ऐसे एड़ी पे रखना है आपको, अभी राइट साइड से लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड से राइट साइड, ये आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, कम से कम आपको ऐसे 25 या 30 बार आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, तभी आपको फुल स्प्लिट हो सकेगी, तभी आपकी अच्छे से स्ट्रेचिंग हो पाएगी, मतलब ये आप ऐसे नहीं हो सकता तो ये आप सपोर्ट ले सकते हैंड का भी ऐसे ऐसे आप। ये आपको रेगुलर आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, तभी आपकी ये फ्लेक्सिबल हो गया थाई आपकी, तभी आपके फुल स्प्लिट हो पाएगी। थर्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है बटरफ्लाई, दोनों पाव को अंदर की ओर करना है और दोनों हैंड को पाव को ग्रिप करना है और पाव को ऐसे रखना है और दोनों एल्बो को इधर पाव की ओर रखना है और दोनों पाव को ऐसे हिलाना है आपको ऐसे, ये आपको कम से कम 1 या 2 मिनट आपको ऐसे पाव को हिलाना है, ऐसे प्रैक्टिस करने से आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी हो पाएगी। बाद में दोनों पाव को स्टॉप करना है, बाद में दोनों हाथ को आगे की ओर झुकना है ऐसे, बाद में आपको ऐसे ऑफ होता है, ये आपको एवरीडे डेली आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है बटरफ्लाई। फर्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, फर्स्ट पोजिशन है, दोनों हाथ को आपको ऐसे रखना है, बाद में दोनों पाव को आपको ऐसे खोलना है और दोनों पाव को हील पे रखना है और बाद में आपको ऐसे पुश करना है, ऐसे आपको 2 सेकंड या 3 सेकंड ऐसे आपको पुश करना है, बाद में दोनों पाव को ऐसे ले लो, बाद में फिर से ऐसे करो और बाद में फिर से ऐसे
पुश करो आप। ऐसे आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, इसे 5 या 6 बार आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। ये हो जाए तो उसके बाद आगे आगे की तरफ आपको चेस्ट को टच करना है। 8 9 10 ये आप आपको कम से कम 6 या 7 बार करना है ऐसे आपको प्रैक्टिस। अब आपको बैठना नहीं है, आपको ऐसे ही रहना है, तभी आपको स्ट्रेचिंग होगी। बाद में ये हो जाए तो उसके बाद आपको ऐसे बैठना है, ओके, ऐसे किक खोलना है, ऐसे पुश ब्रेक करना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट वर्क को टच करना है। उसके बाद ये हाथ ऊपर आएगा ऐसे हैंड को, बाद में इस साइड, बाद में इस साइड, ओके। ये कम से कम आपको 5 या 6 बार ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस करने से फुल स्पीड हो पाएगी। वो भी गाइस, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और न्यू अपडेट लेने के लिए बेल अकाउंट को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जय हिंद।